हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं मतलब एक वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में अपना छोटा सा टैलेंट आपके साथ शेयर करूँगी, जिसके बारे में मुझे पता चला लॉकडाउन में। जब लॉकडाउन हुआ था तो घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते थे, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ। तो मेरे मतलब एक दिन मन भी किया और आइडिया भी आया मेरे दिमाग में कि मैं पेंटिंग करती हूँ, मतलब ड्राइंग करना मैंने शुरू किया। मैंने कभी स्कूल टाइम में ड्राइंग पेंटिंग कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता था और लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने लॉकडाउन में करना शुरू किया और उसके बाद मतलब मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो मतलब मैं करती गई और मैं अच्छा बनाने लगी। और मैंने अपने रूम पे यहाँ पर एक तो पेंटिंग्स और भी बनाई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक पेंटिंग बनाती हूँ। तो मैंने बनाना मतलब ऑलमोस्ट शुरू कर दिया है, तो मुझे लगा कि मैं आपसे भी शेयर करूँ। और देखो बनाते बनाते मैंने क्या किया, यहाँ से दीवार निकल गई मेरी थोड़ी सी। तो मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने बनाना शुरू कर दिया है, आप फेस देख के आइडिया लगा लोगे आई थिंक कि मैं क्या बना रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पर इस रूम पे काफ़ी टाइम से पेंट नहीं हुआ है, तो मतलब डस्ट थोड़ी दीवार पे बैठ गई थी, इसलिए मतलब जब मैंने लाइन्स मिटाई ना तो ये थोड़ी सी निशान से पड़ गए। पर आप इस पर मत जाइए, आप मेरी पेंटिंग देखिए, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ और इसको फिर कंप्लीट करते हैं। चुका है, मैंने ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा दिख रहा है। तो अब मैं कलर करना शुरू करूँगी। एक्चुअली मेरे पास ये कलर पड़े थे, और वैसे वॉल पे नहीं होते हैं कलर, मतलब वॉल के कलर नहीं होते हैं ये, पर मेरे पास पड़े थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका यूज़ कर लूँ, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएंगे। और ख़राब होने या वेस्ट होने से अच्छा है कि मैं यूज़ कर लूँ। तो मैं ये कलर करूँगी, सबसे पहले मैं आउटलाइन करूँगी इसमें, उसके बाद ही आपको थोड़ा अच्छा दिख पाएगा ये। तो करते हैं कलर। अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ी सी आउटलाइन हो चुकी है, मतलब मैंने पेंसिल से हल्का हल्का ड्रॉ किया था, और अभी देखो अभी थोड़ा दिख रहा है फेस। ये मैंने कर ली है आउटलाइन इसकी, और अब मैं इसके बाद इसको पूरा कलर करूँगी। ये थोड़ा सा अजीब बना है मतलब। और फिर अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें कलर यूज़ कर लिया है, तो मैंने सोचा मैं इसे कंप्लीट ही कर लेती हूँ। और इतनी मेहनत करी है तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर भी कर लूँ। फाइनली मेरा मिक्की माउस रेडी है, और आप भी उससे मिल सकते हो। चलो मैं आपको मिलाती हूँ उससे। थोड़ा सा अजीब बना है, पर जैसा अब ये जो भी अब बन चुका है, अब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इसमें। शेपलेस लग रहा है। फर्स्ट जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में, तो राउंड अबाउट जुलाई अगस्त के आसपास, मतलब मैंने लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ बनाया था अपने रूम पे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया था। ये मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये लास्ट टाइम लॉकडाउन में बनाया था, और अभी इसका कलर थोड़ा फेड हो चुका है, इसमें भी मेरे को पेंट करना पड़ेगा। ये देखो बहुत ही प्यारा बना था ये। और मैंने इन महारानी जी को भी लास्ट टाइम बनाया था, ये भी थोड़ी टेढ़ी बनी थी पर बहुत क्यूट लगती है, और मतलब सामने से देखने में लगता है कि कोई स्टिकर लगा हो यहाँ पर। और इसका भी कलर फेड हो चुका है, अब इसमें भी फिर से मैं पेंट करूँगी।
और ये देखो, ये दोनों मेरे पास एक्चुअल में भी है, मतलब बनाया मैंने इनको अलग अलग है, बट लिया मैंने इन दोनों को साथ में ही था। पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है।